तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई अपडेट लेके आया हूँ कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, बाकी भर्तियों की ज्वाइनिंग है वो आपको कब तक दे सकता है। ठीक है ना, जिसमें रीट भर्ती भी इसमें शामिल है। इसके अलावा और भर्तियाँ हैं जिनकी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली। ठीक है ना, देखो दोस्तों, आज एक न्यूज आई है, एक बार मैं आपको इसको रिपीट करके सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें लिखा है कि चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई, 25 दिन में 13,000 को देनी है नियुक्तियाँ। यानी 25 दिन के अंदर 13,000 नियुक्तियाँ हैं वो डिपार्टमेंट को देनी है। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, जो चेयरमैन है कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज, उनका ये कहना है कि आचार संहिता हट गई है, क्योंकि सबसे अधिक जो कारण लगा है वो आचार संहिता के कारण इसमें सबसे अधिक डिले हुआ है। यदि मान लो आचार संहिता नहीं होती तो अब तक की आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती। आगे हमने बोर्ड बैठक रखी है, भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिनके दस्तावेज जांच नहीं हुए हैं उन्हें मंगवा रहे हैं। प्रोविजनल सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अभ्यर्थना शिक्षा विभाग को जल्दी भेज दी जाएगी। ठीक है ना, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे लिखा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मामला, 48,000 में से 35,000 को मिल चुकी है नियुक्तियाँ। यानी अभी भी लगभग 13,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। अधीनस्थ बोर्ड ने सूची का परिणाम जारी नहीं किया, अभ्यर्थियों में अभी भी क्या है, विरोध है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सप्ताह भर में ये जो है जो सूचियां हैं वो जारी कर देगा विभाग। ठीक है, आगे यहां पर लिखा है, बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की थोड़ी कमी भी है, इस कारण भी इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि इसी महीने में उम्मीद है कि जो बाकी जो थर्ड ग्रेड की जो जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिले हैं उनको ज्वाइनिंग के आदेश हैं वो दे दिए जाएंगे, और धीरे धीरे भी यहाँ पर क्या है, आदेश दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले भी लगभग 500 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए थे। ठीक ना, देखो प्रमुख जो इश्यू था आचार संहिता वो कंप्लीट हो चुकी है, नई सरकार का गठन भी हो चुका है ना, ये मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी इसमें आवश्यकता नहीं है। आने वाले इसी महीने में ये प्रक्रियाएं हैं लगभग पूरी कर देगा कर्मचारी चयन बोर्ड। उसके बाद हो सकता है कुछ और इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, तो आपको इसमें ज़्यादा कोई ऐसा इश्यू मुझे नज़र नहीं आ रहा है ना। बस अपन सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी आवाज़ है वो उठा रहे हैं, ताकि अभ्यर्थियों को जो सही समय पे उनको ज्वाइनिंग है वो मिल जाए।